गुरदासपुर सीट पर जीत से पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी काफी खुश हैं। उन्होंने जीत के लिए राहुल और पंजाब की जनता को बधाई दी है। आशा कुमारी से बात की हमारे संवाददाता मोहित राजदूबे ने। गुरदासपुर की जीत कांग्रेस के लिए बहुत कुछ देती है। मेरे साथ आशा कुमारी जी हैं, पंजाब की प्रभारी हैं। क्या ये राहुल गांधी की जीत है या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है? मैं सबसे पहले तो सुनील जाखड़ जी को बधाई देना चाहूँगी, जो ऐतिहासिक मतों से यहाँ गुरदासपुर में ये इन्होंने जीत दर्ज की है। राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से ये चयन, उन्होंने हैंडपिक कैंडिडेट थे सुनील जाखड़ जी, तो राहुल गांधी जी की भी जीत है और गुरदासपुर के जो मतदाता हैं उनकी भी जीत है। आपने भी बहुत शानदार काम किया है पंजाब में, विधानसभा भी आप जितवाई, बाईपोल भी आपने जितवा दिया। राहुल गांधी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, राहुल गांधी जी की मार्गदर्शन में ही ये चुनाव हम लोग जीते हैं और राहुल गांधी जी को जैसे ही मैंने सूचना दी कि हम लोग बढ़त स्थापित कर चुके हैं, लगभग उस वक्त हम लोग 30-40 हज़ार से आगे थे, तो उन्होंने बधाई दी और धन्यवाद मैंने भी उनका किया और हम सब ने मिलकर के वोटर्स का धन्यवाद किया। तो राहुल गांधी की शानदार उपस्थिति भी ये दर्ज कराती है क्योंकि लगातार वो कैंपेन भी कर रहे हैं और इसी बीच में बाईपोल के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी का जादू खत्म हो गया है? कांग्रेस एक नई शुरुआत कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में। ब्यूरो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा के साथ मोहित राजदुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।